नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लास में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सिक्योरिटी यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आ रखी है और ये है संवाद 41। इसका विषय आप देख सकते हो पशुधन प्रसार अधिकारी पद हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में। आज ही यहाँ पे यूके ट्रिपल एस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही अपलोड किया गया है और ये इस संबंध में है। ये है जो वैकेंसी आ रखी है पशुधन प्रसार अधिकारी में, जो कि 120 पदों की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है पशुधन। वैसे इस पोस्ट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, 5 टाइप की है, लेकिन जो सिर्फ क्या है पशुधन प्रसार अधिकारी वाली पोस्ट है जिसमें क्या है 120 पद हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पे अपडेट आई है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं, तो ये जानने आपके लिए अति आवश्यक है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या संशोधन। कुछ संशोधन ऐसे भी है कि जब कोई इसमें अगर एक तो इसमें क्या है कि जो 120 पद है वो टोटल 120 पद नए नहीं भरे जाएंगे, उनमें से 108 पद तो नए भरे जाएंगे प्लस 12 जो है वो है जो क्या है पुराने वाले हैं, ठीक है। तो 102 पद यहाँ पे 108 पद यहाँ पे नए भरे जाएंगे और साथ ही साथ जब आपको यहाँ पे निकल जाएगा इसमें कोई इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा और उसके बाद अगर वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग के लिए उसको खुद वहाँ पे अपना खर्चा उठाना पड़ेगा विभाग की तरफ से, ना तो उसको सैलरी दी जाएगी और ना उसको वहाँ पे खर्चा दिया जाएगा, और जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तब जाके वो उसको सैलरी मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन इतरेत के तहत दिनांक 27/2/2020 एवं कार्यालय ज्ञाप विज्ञप्ति संख्या 147 दिनांक 10/6/2020 द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 85% सीधी भर्ती के अंतर्गत 108 पदों एवं 10% विभागीय कर्मिकों हेतु 12 पदों अर्थात कुल 120 पदों का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो इसमें क्या है 120 पदें टोटल हैं जिनमें 108 पद तो क्या है जो 85% पद है यानी 108 पद हैं वो सीधी भर्ती के अंतर्गत भरे जाएंगे, लेकिन जो 12 पद है वो क्या है जो विभागीय कर्मी हैं उनका प्रमोशन होगा तो 12 पद वहाँ से भरे जाएंगे। तो जो सीधी भर्ती होगी उसमें 108 पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस संबंध में निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा किए गए अनुरोध पर उक्त विज्ञापन संख्या दिनांक 27/2/2020 में निम्नानुसार आवश्यक शर्तों को जोड़कर संशोधित किया जाता है। तो कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं जैसे कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किए जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो पहले आपको क्या है उसमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग होगी आपकी, तब जाके आपकी उसमें नियुक्ति होगी। जैसे आपने किस जो भी उसमें निकली एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया उसके बाद उसकी वहाँ पर ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर ना तो आपको सैलरी दी जाएगी ना आपको खर्चा दिया जाएगा ट्रेनिंग का। प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। तो आप देख सकते हो पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर 85% सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कोई वेतन एवं अन्य भत्ते अनुमत नहीं होंगे। तो आपको कोई वेतन और भत्ता नहीं दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग करोगे इसकी। पशुधन प्रसार अधिकारी के 10% पदों पर केवल पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मी ही आवेदन करेंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है। तो जिन्होंने विभाग में 5 वर्ष की यहाँ पर अवधि पूरी कर ली है वही उसमें 8% में पार्टिसिपेट करेंगे। नियुक्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन हो जाने पर पहले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होगा। विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी उस अवधि का समस्त व्यय चयनित अभ्यर्थियों को वहन करना होगा, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन आदि नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी थी आज की यहाँ पे जो अपडेट थी ये पशुधन प्रसार अधिकारी के संबंध में कि यहाँ पे जो एक तो इसमें ये है कि 108 पद नए भरे जाएंगे और बाकी जो 12 पद हैं वो विभाग वाले उसमें भरे जाएंगे, और साथ ही साथ एक तो यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको स्वयं उसका खर्चा उठाना पड़ेगा और उस टाइम आपको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।